हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज का टॉपिक है एप्लास्टिक एनीमिया। इससे पहले हम मेगालोब्लास्टिक और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया भी कवर कर चुके हैं, तो शुरू करते हैं इसके नेम से, मतलब इसके नेम का मतलब क्या है, उसी से हम आगे फिर डेफिनेशन पे जाएंगे, फिर हम पैथोजेनेसिस पे जाएंगे, फिर क्लिनिकल फीचर वगैरह ये सब चलेगा, क्लासिफिकेशन में ही हम सब समझ लेंगे, ठीक है। तो एप्लास्टिक एनीमिया होता क्या है? एप्लास्टिक, देखिए दो वर्ड से बना हुआ है, ए और प्लास्टिक। ए मतलब एब्सेंस और प्लास्टिक मतलब प्लेजिया, ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं, ए मतलब एब्सेंट और प्लास्टिक मतलब प्लेजिया। तो प्लेजिया का मतलब क्या होता है? प्लेजिया का मतलब होता है कि ग्रोथ, या है ना, मतलब किसी सेल की ग्रोथ, या है ना किसी के मल्टीप्लिकेशन का रुक जाना, किसी की ग्रोथ रुक जाना या मल्टीप्लिकेशन का रुक जाना, जिसकी वजह से सेल काउंट या सेल नंबर कम हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं प्लेजिया, ठीक है। अब उसके आगे हम कोई भी वर्ड लगा के इसका मतलब बना सकते हैं। ए मतलब एब्सेंट ऑफ ग्रोथ, ठीक है। अब हाइपर प्लेजिया मतलब, हाइपर मतलब सेल काउंट या ग्रोथ, सेल काउंट बढ़ जाना या ग्रोथ बढ़ जाना या मल्टीप्लिकेशन बढ़ जाना, ठीक है। अब ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन होगा तो ऑब्वियसली सेल काउंट तो अपने आप ही बढ़ेगी। हाइपोप्लेजिया मतलब, अब हाइपो लगा दिया तो कम है ना, तो ऐसी ग्रोथ या सेलुलर मल्टीप्लिकेशन कम हो जाता है, जिसकी वजह से सेल काउंट और सेल नंबर डिक्रीज हो जाते हैं। एप्लेजिया मतलब वही कि है ना, कोई भी मतलब सेल में इंक्रीमेंट नहीं होता, सेल काउंट में इंक्रीमेंट नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे कोई फॉर्मेशन नहीं होता सेल्स का। तो यही है एप्लास्टिक एनीमिया का मतलब, ठीक है। तो वो एनीमिया जिसमें कोई सेल का की ग्रोथ या फिर है ना मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा होता। अब इसमें कोई सेल का मतलब है, यहाँ पे अनीमिया की बात हो रही है, तो आरबीसी ही सबसे मेन है, ठीक है। तो लेकिन है ना, इसमें कोई भी सेल का ही नहीं हो रहा, ठीक है, जैसे कि डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और है ना हमारे प्लेटलेट्स, कोई भी सेल्स का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, बट अब इसमें आरबीसी आ रही है तो हम अनीमिया में भी पढ़ रहे हैं इसको, ठीक है। तो अब ये चीज़ होती क्यों है? क्योंकि इसमें बोन मैरो फेलियर हो जाता है। बोन मैरो अब किस लिए होता है, ठीक है। बोन मैरो जो चीज़, मतलब बोन मैरो क्या होती है, बोन मैरो में सारी की सारी सेल्स बनती हैं, मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और हमारी प्लेटलेट्स जो होती हैं वो यहीं से बन के निकलती हैं, ठीक है, फिर बाद में जाके मैच्योर होती हैं। तो अगर इसी में गड़बड़ी हो जाएगी, या बोन मैरो फेलियर ही हो जाएगा, इसमें बोन मैरो में गड़बड़ हो जाएगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स नहीं बनेंगी, ठीक है, प्लेटलेट्स नहीं बनेंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, एप्लास्टिक एनीमिया। अब मतलब प्लेटलेट, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स नहीं बनेंगी तो उससे क्या होगा, हमारी बॉडी में इन सब की कमी होगी, ठीक है, उससे क्या होगा, उससे फिर डिसीज़ और डिसऑर्डर्स पैदा होंगे, ठीक है। तो हो क्या रहा है, देखिए हेमाटो, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स जो होती हैं, मतलब बोन मैरो में स्टेम सेल्स होती हैं, जो कि है ना फॉर्मेशन कराती हैं ब्लड सेल्स का, मतलब जब वो छोटी छोटी होंगी, जब वो पैदा होंगी, जब वो मतलब सिंथेसिस होगी उन सेल्स की, तो वो कौन सी सेल्स करती हैं, स्टेम सेल्स का, स्टेम सेल्स मतलब उनको ब्लड सेल्स को बनाती हैं। और ब्लड सेल्स कौन कौन सी होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है, इन तीनों का फॉर्मेशन स्टेम सेल्स करती हैं, जो कि बोन मैरो में प्रेजेंट होती है। अब क्या होगा कि जब बोन मैरो में ही गड़बड़ा जाएगी, जब बोन मैरो ही अपना फंक्शन क्लियरली नहीं कर पाएगी, ठीक है, प्रॉपरली नहीं कर पाएगी, तो क्या होगा कि है ना हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स भी मतलब अपना फंक्शन नहीं कर पाएंगी, उसकी वजह से ब्लड सेल्स नहीं बनेंगी। ब्लड सेल्स कौन कौन सी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अब आरबीसीज नहीं होंगी तो हमें पता है अनीमिया होगा, डब्ल्यूबीसी नहीं होगी तो हमें पता है ल्यूकोपेनिया होगा, प्लेटलेट्स नहीं होगी तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होगा, ठीक है। और जब एप्लास्टिक मतलब जब ये सारी सेल्स नहीं बनेंगी तो उसकी वजह से एनीमिया, ल्यूकोपेनिया और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होगा, ठीक है। अब आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स नहीं बन रही तो आरबीसी की वजह से क्या होगा, फैटिगनेस हो जाएगी, मतलब ऑक्सीजन की कमी होगी, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, तो ये सब हमारी बॉडी को अफेक्ट करेगा। अब डब्ल्यूबीसी का फंक्शन क्या होता है, हमें इन्फेक्शन से बचाता है, हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाता है, तो डब्ल्यूबीसी जब कम हो जाएंगी तो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन होने लग जाएंगे, मतलब वो ज़्यादा प्रोन होगी उसके लिए। अब प्लेटलेट्स जो हैं, प्लेटलेट्स में क्या होगा कि है ना, अब प्लेटलेट्स कम हो जाएंगी तो हमारे मतलब प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, क्लॉटिंग का, तो अब जब प्लेटलेट्स ही कम हो जाएंगी तो उसमें क्या होगा, अनकंट्रोल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो जो मेन चीज़ है, मतलब बोन मैरो में अगर कोई कमी हो जाती है, अगर कोई फेलियर हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स नहीं बनते, उसकी वजह से हमें सारे बॉडी में दिक्कत होती है, मतलब उसकी वजह से एप्लास्टिक एनीमिया होता है, ठीक है। अब डेफिनेशन देख लेते हैं, या फिर यहीं से शुरू कर दो, ठीक है।
इम्पेयर्ड फॉर्मेशन ऑफ एरिथ्रोपोइटिक प्रीकर्सर सेल्स। प्रीकर्सर सेल्स मतलब छोटी वाली, मतलब जो इमेच्योर सेल्स होती हैं, जो कि छोटी वाली सेल्स होती हैं, ठीक है। जो RBC होगी उसको हम, जो RBC की इमेच्योर वाली सेल होगी, इमेच्योर वाली स्टेज होगी, उसको हम बोलेंगे प्रीकर्सर सेल, ठीक है। तो इम्पेयर्ड फॉर्मेशन मतलब प्रीकर्सर सेल्स का फॉर्मेशन ही नहीं होता या फिर इम्पेयर्ड होता है, मतलब गड़बड़ होती है उसमें, ठीक है। डेफिनेशन से देख लेते हैं। ए प्लास्टिक एनीमिया डिफाइंड एज ई पैनसाइटोपेनिया। पैनसाइटोपेनिया का मतलब क्या होता है? पैनसाइटोपेनिया मतलब WBC, RBC और प्लेटलेट्स की कमी, ठीक है। अब RBC का क्या होगा? एनीमिया। WBC का क्या होगा? ल्यूकोपेनिया। और प्लेटलेट्स का क्या होगा? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। तो इनकी प्रेजेंस हो जाती है, मतलब एनीमिया, ल्यूकोपेनिया और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की प्रेजेंस हो जाती है, ठीक है। पैनसाइटोपेनिया से क्या होता है? पैनसाइटोपेनिया से अब जब इनकी कमी हो जाएगी, वो किसकी वजह से होगी? क्योंकि क्या मतलब बोन मैरो में एप्लेजिया हो रहा है, मतलब वहाँ पे कोई सेल काउंट या ग्रोथ ही नहीं हो रही है, सेल काउंट इंक्रीज ही नहीं हो रहा, ग्रोथ ही नहीं हो रही, मल्टीप्लिकेशन ही नहीं हो रहा बोन मैरो में, जिसकी वजह से ये वाली कंडीशन, पैनसाइटोपेनिया की कंडीशन जनरेट हो रही है, ठीक है। एप्लेजिया की वजह से, मतलब ये किसकी वजह से हो रहा है, क्या हो रहा है? क्योंकि है ना, स्टेम सेल्स जो हैं उनमें रिडक्शन हो रहा है, उनके नंबर में रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर रिडक्शन होगा तो ऑब्वियसली बोन मैरो हमारी काम नहीं कर पाएगी, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा कि है ना, जो सेल्स हैं वो डिवाइड नहीं करेंगे और डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, मतलब डिवाइड और मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, या तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे या कम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हो गई हमारी पैथोजेनेसिस। तो अब हमें ना क्लासिफिकेशन और एटियोलॉजी देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन में ही हम एटियोलॉजी पढ़ लेंगे। एटियोलॉजी का मतलब होता है कॉजेज, मतलब वो किस चीज़ से हो रहे हैं, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन मतलब दो टाइप में क्लासिफाई किया गया है, एक तो प्राइमरी एप्लास्टिक एनीमिया और दूसरा है सेकेंडरी एप्लास्टिक एनीमिया। प्राइमरी दो टाइप के होते हैं, एक्वायर्ड और इनहेरिटेड, एक्वायर्ड और इनहेरिटेड, ठीक है। एक्वायर्ड में कौन सा? एक्वायर्ड वो वाले होते हैं जो कि है ना इम्यूनोलॉजिकली होते हैं, मतलब ये जो बर्थ के बाद है ना खुद से हो जाते हैं, और इनहेरिटेड मतलब जो बर्थ से ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनहेरिटेड। इनहेरिटेड में कौन सी डिसीज़ आती है? फैंकोनीज एनीमिया। फैंकोनीज एनीमिया होती क्या है? फैंकोनीज अनीमिया इनहेरिटेड डिसीज़ होती है, जो कि है ना, जो कि बर्थ से ही प्रेजेंट होती है। और उसमें क्या होता है कि वो उस, मतलब उस वाली का टाइप क्या होता है? ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस। ये बहुत रेयर कंडीशन होती है, ठीक है। और ये किस वजह से होती है, मतलब इसका कॉज क्या होता है फैंकोनीज अनीमिया का? क्योंकि बोन मैरो में डिस्ट्रक्शन हो जाता है स्टेम सेल्स का डिस्ट्रक्शन होगा बोन मैरो में, जिसकी वजह से हमारी RBC, WBC ये सब नहीं बन पाएंगे, ठीक है। और फिर क्या होगा कि हमारी बोन मैरो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, स्केलेटल रीनल अबनॉर्मेलिटीज हो जाएंगी और मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा, ठीक है। इम्यूनोलॉजिकली मीडिएटेड मतलब ये एक्वायर्ड वाली हम पढ़ेंगे। तो ये क्या होता है कि है ना, बर्थ के बाद ही हम है ना, हम अपनी सोसाइटी वगैरह से एक्वायर करते हैं, ठीक है। तो इम्यूनोलॉजिकली मीडिएटेड। अब हमें कोई बीमारी हो गई, ठीक है, बीमारी हो गई तो हम है ना कुछ ट्रीटमेंट चलाएंगे, थेरेपी चलाएंगे। अब यही हो गया कि हमारी इम्यून सेल्स जो होती हैं वो ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो गई, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी चलाएंगे, मतलब उसका ट्रीटमेंट चलेगा। तो इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी से क्या होगा कि है ना, हमारी इम्यून सिस्टम थोड़ा डिप्रेस होगा, ठीक है, सप्रेस होगा। तो क्या होगा, सप्रेस होने से वो ज़्यादा सप्रेस हो जाएगा, तो जिसकी वजह से हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स भी सप्रेस होने लग जाएंगी, जिसकी वजह से इम्यूनोलॉजिकल मैकेनिज्म मतलब वो थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा, वीक हो जाएगा हमारी इम्यूनिटी, ठीक है। और जो दूसरा कॉज होता है वो ऑटो इम्यूनिटी, मतलब है ना एंटीबॉडीज हमारी अगेंस्ट काम करती हैं, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन ये वाला जो कॉज होता है ऑटो इम्यूनिटी वाला, ये मोस्ट कॉमन कॉज होता है, ठीक है। अब स्टेम सेल्स जो होती हैं वो हमारी जो एंटीबॉडी, हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडी बन रही होती हैं, वो स्टेम सेल्स को ही फॉरेन एंटीजन की तरह कंसिडर कर लेती हैं और उनको डिस्ट्रॉय कर लेती हैं, ठीक है। सेकेंडरी एप्लास्टिक एनीमिया पे आते हैं, तो सेकेंडरी एप्लास्टिक एनीमिया में कौन कौन से होते हैं? ड्रग, टॉक्सिक केमिकल्स, इन्फेक्शन और रेडिएशन। ड्रग्स में क्या है, मतलब ड्रग्स में दो तरीके के होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो कि बोन मैरो के लिए ठीक नहीं होती है, मतलब वो डैमेज कर देती हैं, तो उसमें डोज रिलेटेड एप्लेजिया और आइडियोसिंक्रेटिक एप्लेजिया। डोज रिलेटेड एप्लेजिया में क्या होता है कि है ना, ये ड्रग लेने से, मतलब ड्रग लेने से हमारी
बोन मैरो जो होगी वो सप्रेस हो जाएगी, लेकिन हम जब ड्रग्स वगैरह को छोड़ देंगे तो हमारी बोन मैरो ठीक से काम करने लग जाएगी, ठीक है। तो मतलब रिकवर्ड बाय विड्रोवल ऑफ ड्रग। एग्जाम्पल है मेथोट्रेक्सेट, एल्काइलेटिंग एजेंट और नाइट्रोसीडिया। अब हम आइडियोसिंक्रेटिक एप्लेजिया देखते हैं। इसमें क्या होता है, जब है ना इसको पहली बार लिया जाता है तो कुछ अबनॉर्मल रिएक्शन होते हैं जिसकी वजह से बोन मैरो में मतलब बॉडी में अबनॉर्मल रिएक्शन होंगे जिसकी वजह से बोन मैरो डिप्रेस होने लग जाएगी, अपना अपना फंक्शन प्रॉपरली नहीं करेगी, ठीक है। एग्जांपल है इसके क्लोरामफेनिकोल और क्लोरोप्रोमाजीन और गोल्ड सॉल्ट। अब टॉक्सिक केमिकल्स भी देख लेते हैं, टॉक्सिक केमिकल कौन कौन से होते हैं जो कि है ना एप्लास्टिक एनीमिया कॉज करते हैं। बेंजीन डेरिवेटिव इंसेक्टिसाइड्स। इन्फेक्शन देख लेते हैं, इन्फेक्शन मतलब वायरल बैक्टीरियल सारे के सारे इन्फेक्शन जो भी होंगे। ईबीवी वायरल, ईबीवी इन्फेक्शन, एड्स, हेपेटाइटिस। रेडिएशन में कीमोथेरेपी, एक्सरेज भी मतलब इसका कॉज हो सकता है, एसएलई भी हो सकता है, ठीक है। सिस्टमिक ल्यूपस एरिथ्रोमाइटिस। अब हम पैथोजेनेसिस देख लेते हैं। तो पैथोजेनेसिस वैसे तो वही काफ़ी है, बट है ना अगर और देखनी है कि हाँ मतलब इम्यूनिटी में हो क्या रहा है, मतलब कैसे वो एक्ट कर रही है, तो ये ऑटो इम्यूनिटी होती है। मतलब है ना जब सेल्स, जब वो एंटीबॉडीज़ बनती हैं तो स्टेम सेल्स को वो कर देती हैं, डिस्ट्रॉय कर देती हैं, क्योंकि वो फॉरेन एंटीजन को मारने, मतलब फॉरेन एंटीजन स्टेम सेल्स को मारने लग जाती हैं, ठीक है। तो ऑटो इम्यूनिटी जो होती है वो, उससे क्या होता है, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स एक्टिवेट होती हैं बोन मैरो के अगेंस्ट। बोन मैरो में जो स्टेम सेल्स होती हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल्स उसके अगेंस्ट एक्टिवेट हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि उधर उधर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन चल रहा होता है। अब क्या होगा, जो किलर टी सेल्स होंगी वो है ना स्टेम सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे, डिजनरेट कर देंगे, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, बोन मैरो में एप्लेजिया हो जाएगा, मतलब वहाँ पे कोई सेल की ग्रोथ नहीं होगी और उसकी वजह से क्या होगा, एप्लास्टिक एनीमिया होगा। अब इसके सिम्टम्स देख लेते हैं। अब सिम्टम्स में वही है कि अगर आरबीसी कम हो जाएगी तो क्या होगा, वीकनेस, टायर्डनेस, फैटीग और पेल स्किन, हेडेक, ये सब होगा। और मेन जो है वो हीमोग्लोबिन की कमी, वही सब होगा, ठीक है। डब्ल्यूबीसी, अगर है डब्ल्यूबीसी कम हो जाएंगी तो इन्फेक्शन हो जाएगा, वो मतलब हमारी बॉडी में ज़्यादा इन्फेक्शन होने लग जाएंगे क्योंकि इम्यूनिटी नहीं होगी, है ना। प्लेटलेट्स जो होता है, प्लेटलेट्स अगर कम हो जाएंगी तो उनका जो रोल होता है क्लॉटिंग का, ठीक है, तो वो नहीं होगी, इसकी वजह से ईजिली ब्लीडिंग हो जाएगी, हैमरेज होने लग जाएगा, एपिस्टेक्सिस होने लग जाएगी, मतलब ब्लीडिंग वाली सारी की सारी कंडीशन जनरेट हो जाएगी। अब लैब डायग्नोसिस देख लें, तो लैब डायग्नोसिस में अनीमिया के लिए क्या करेंगे, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, नॉर्मोसेटिक नॉर्मोक्रोमिक अनीमिया दिखेगा हमको, रेटिकुलोसाइट्स कम हो जाएंगी, ठीक है, और ल्यूकोपेनिया और ल्यूकोपेनिया में क्या होगा, ग्रैनुलोसाइट्स काउंट कम हो जाएंगे, न्यूट्रोफिल्स जो होंगी वो नॉर्मल रहेंगी। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में क्या होगा, प्लेटलेट्स कम हो जाएंगी। ट्रीटमेंट में हम करते हैं स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन, इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स दे देते हैं क्योंकि वो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, तो उसकी वजह से हम वो ड्रग्स दे देंगे, ठीक है, और बोन मैरो स्टिमुलेंट्स देंगे जिसकी वजह से एप्लास्टिक एनीमिया के ख़त्म होने के चांसेस हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।